सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, साथ ही बस अब कुछ ही दिनों के बाद आप सभी को आईपीएल 2019 की विनिंग टीम भी मिल जाएगी। आपको बता दें कि अब तक मुंबई इंडियंस की टीम पहले क्वालिफायर मुकाबले को जीतकर फाइनल्स में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अपने पहले एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद की टीम को पछाड़कर कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम ने चेन्नई की टीम के लिए फाइनल्स में पहुंचने के लिए एक और दीवार खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों के बीच में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना है। दिल्ली और चेन्नई या दोनों ही टीमें इस बार के आईपीएल में जोरदार प्रदर्शन करती हुई आई हैं। दिल्ली की टीम एक समय आईपीएल 2019 की पॉइंट टेबल पर नंबर एक की पोजीशन पर थी, लेकिन फिर उसके बाद मुंबई और चेन्नई की टीम ने बाजी मार ली। हालांकि जब मुंबई और चेन्नई की टीम की बात करी जाए तो मुंबई की टीम ने बाजी मारकर फाइनल में अपनी जगह बनाई और चेन्नई की टीम को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में धकेल दिया। अब मुद्दे की बात तो यह है कि दिल्ली और चेन्नई की टीम के बीच में यह क्वालिफायर मुकाबला एक डिसाइडर मुकाबला बन चुका है। यह दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो मुकाबला है और दोनों ही कप्तान यानी कि श्रेयस अय्यर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चाहेंगे कि वह किसी न किसी तरीके से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में तो अपनी जगह को बना ही लें। अब अगर बात करें जाए इस दूसरे क्वालिफायर मुकाबले की तो आपको बता दें कि दोनों ही टीमें कांटे की टक्कर की टीमें हैं। दिल्ली की टीम ने इस साल कुछ इतना अद्भुत प्रदर्शन करके दिखाया, जितना अच्छा तो प्रदर्शन शायद चेन्नई और मुंबई की टीम ने भी नहीं किया, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इस बार के आईपीएल के सीजन में दिल्ली की टीम चेन्नई की टीम पर उतनी ज्यादा हावी नहीं रही। परंतु जब बात क्वालिफायर मुकाबलों की आती है तो मामला कभी भी पलट सकता है। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तो आपको बता दें कि इसकी सलामी जोड़ी यानी कि फाफ डुप्लेसिस और शेन वॉटसन फिलहाल शानदार फॉर्म में है। उसके बावजूद यह खिलाड़ी पहले क्वालिफायर मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दें कि चेन्नई की टीम इस टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा व ड्वेन ब्रावो जैसे धाकड़ खिलाड़ी जो कि मैच को कभी भी पलटने का दम रखते हैं। टीम की स्पिन गेंदबाजी भी कमाल है। हरभजन सिंह और इमरान ताहिर का अनुभव कहीं ना कहीं हर मुकाबले में टीम को विजयी बनाता आया है। साथ ही टीम की तेज गेंदबाजी की ताकत को संभालते हैं दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक खास टीम है। यह टीम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों के मिश्रण से बनी है और जिस टीम की कप्तानी खुद महेंद्र सिंह धोनी संभालते हो आप समझ सकते हैं कि उस टीम को जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब अगर गौर फरमाया जाए दिल्ली की टीम पर तो आपको बता दें कि इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन भी कुछ कम नहीं। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से कहर मचाया और इस बार के आईपीएल के सीजन में अपने प्रदर्शन से सबको इम्प्रेस किया है। टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए टीम में मौजूद है कॉलिन इंग्राम, कप्तान श्रेयस अय्यर व ऋषभ पंत जैसे धुआंधार बल्लेबाज। अब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी तो क्या ही कहने, सिर्फ इतना ही नहीं श्रेयस अय्यर भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद टीम में एक ऑलराउंडर के तौर पर रहते हैं अक्षर पटेल, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान रहती है अमित मिश्रा के हाथों में। टीम में तेज गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं कीमो पॉल व ईशान शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी। दोस्तों भले ही दिल्ली की टीम एक युवा खिलाड़ियों से बनी हुई टीम है और इसकी कप्तानी संभाल रहे श्रेयस अय्यर को भी इतना ज्यादा अनुभव नहीं कि वह धोनी के सामने लड़ सके, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता पिछले 8 सालों के बाद दिल्ली की टीम ने जिस तरीके से 2019 के आईपीएल के सीजन में खास तौर प्रदर्शन करके दिखाया है वह अपने आप में काबिले तारीफ है और सब कुछ मुमकिन हो पाया तो श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी के चलते ही। तो चलिए अब आपको फटाफट से बताते हैं कि इस मुकाबले के लिए क्या हो सकती है दिल्ली की टीम की प्लेइंग 11। टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के तौर पर रहेंगे शिखर धवन व पृथ्वी शॉ। वहीं टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए देखेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत व बल्लेबाज कॉलिन मुनरो। साथ ही टीम में दो ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे अक्षर पटेल और रदरफोर्ड। वहीं टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी अमित मिश्रा के हाथों में, तो वहीं तेज गेंदबाजी आप सभी को करते हुए देखेंगे कीमो पॉल, ट्रेंट बोल्ट और ईशान शर्मा। दोस्तों अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करी जाए तो इस टीम की सलामी जोड़ी रहेगी शेन वॉटसन व फाफ डुप्लेसिस। टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और अंबती रायडू। साथ ही टीम में ऑलराउंडर की भूमिका आप सभी को निभाते हुए देखेंगे रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो। स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी इमरान ताहिर और हरभजन सिंह के अनुभवी हाथों में और तेज गेंदबाजी कराते हुए देखेंगे दीपक चहर व शार्दुल ठाकुर। दोस्तों यह थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो कि हर पहलू में दिल्ली की टीम पर भारी पड़ती हुई दिख रही है, परंतु दिल्ली की टीम भी कुछ कम नहीं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है जब इस सेकंड क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली और चेन्नई की टीम आमने सामने होगी तो कौन सी टीम जीतेगी, दिल्ली या फिर चेन्नई? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।